बाद हुण ऑल इंडियन सैलर एसोसीएशन भी धरने ते दिखाई दे रही है। मामला सामने आउंदा है नाभा तो, जिथे ऑल इंडियन सैलर एसोसीएशन के प्रधान तरसेम सैनी वालों एफ आर के मुद्दों से सैलर मालकों को पेश आ रही समस्याओं को देखते हुए विभाग के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए पंजाब के विच हड़ताल करने की चेतावनी दी गई है। हड़ताल को देश भर के विच कीते जाण दी सरकार नू कॉल दी गई है। इस सारे मामले के विच एसोसीएशन वालों जिला पटियाला दे विच सोमवार तो मुकम्मल हड़ताल करन दी एक बार फिर तो सरकार नू कॉल दी गई है। इस मौके ऑल इंडिया सैलर एसोसीएशन के प्रधान तरसेम सैनी ने यह कहा है कि केंद्र सरकार की हदायतों से सैलर मालकों वालों मानता प्राप्त एजेंसियों को एफ आर के नू लैके 1% चावलों विच मिक्स कर एफ आई सी भेजा गया। विभाग वालों जिला पटियाला 164 सैंपलों के 24 सैंपल फेल कर दिए गए हैं, जिसकी जिम्मेवारी सैलर मालका की नहीं बल्कि एफ आर के मालका की है। इस अलावा तो प्रधान वालों यह भी कहा जा रहा है कि पंजाब सरकार द्वारा सैलर के हले तक बकाया नहीं मोड़िया गया, जिसकी और बार बार सरकार तो मांग कर रहे हैं। आओ की कुछ कहना है प्रधान तरसेम सैनी का, थानू सुनाते हैं पत्रकार सुखसैन सिंह की इस खास रिपोर्ट के। जिमें कि हम सा 164 के करीब गए सैंपल गए डिस्ट्रिक्ट पटियाले चो, 55 रिजैक्ट हो गए, जिद संगरूर के भी रिजैक्ट हुए हैं। वह फाल्ट जोड़ा है सैलर मालकों को बना दिता गया कि तुम रिप्लेस करो ना, तो रिप्लेस हो सकते हैं पर की है क्योंकि एक असं इंडस्ट्रीलिस्ट हैं भी थोड़ा काम बंद कर देंगे। तो वह सब तो बड़ी साड़ी एक इस टाइम बहुत बड़ा इशू है कि इस इशू नू मतलब असी खत्म करने वास्ते मैं पंजाब के मिलरों को, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट बरनाला ने भी की, संगरूर ने, पटियाला ने भी किया, जे सरकार ना ठीक हुई यदि रिसपोंसीबिलिटी से बिल्कुल नहीं अपने से लैनी। यही है कि चौल पे है साल बाद कोई चैक करके कहते भाई ये न्यूट्रिशन वैल्यू घट है, वी आर नॉट ए रिसपोंसिबल फॉर दैट। सो वो असी सब तो पहले तो यह काम असी करना है कि असी इनू लैके जाना पंजाब लैवल तक और इंडिया लैवल से लौट, मैं इंडिया लैवल से लेके जाऊँगा, ये फोर्टिफिकेशन का काम बंद किया जाऊँगा। सैकेंड इशू ये है पंजाब सरकार को बहुत साढ़े पैसे बकाया पे रहते हैं, जिमें साड़िया पिछले साल दिया सिक्योरिटीज एंड इस तरह एफ सी को, इस तरह साड़िया जिड़िया इन्होंने कोई खनिज के पैसे लेने हैं और साड़िया सिक्योरिटीज एफ आर के यूनिट वाले ने भी पईया ने। पंजाब सरकार की जी रिवर्समेंट ऑफ जी सिक्योरिटीज है वो पॉलिसी बड़ी ढिली रखी हुई है, तो साढ़े मतलब करोड़ों रुपये उन्होंने करीब पे ने, तो वो सानू बहुत बड़ी डिजायर है, नसैसिटी ने सानू जरूरत है, वो असी करना चाहते हैं। पंजाब सरकार ने पॉलिसी बनाई है 45 ड्रेस को ऑनलाइन परचेज करने की, उन्होंने ऑनलाइन परचेज तो किया बनाई है, बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई थी पर वो बड़ी बुरी तरह फेल हुई है। जिन्हें भी साढ़े राइस मिलर ने उन्होंने तो वह मंगया जा रहा है कि तुम सूँ प्रीमियम रेट दो, एक्स्ट्रा रेट दो। सो साड़ी इंडस्ट्री 5-7 रुपए पर के जी फालतू पैसे भी देने पै रहे हैं, ये बावजूद के अफसरों को पता चुप ने, वो जिम्मेवारी साढ़े ते लाई गई है, माल ठीक नहीं है बिचों बाद कटिया, ये दो तीन चीज़ा बड़ी डेंजरस ने जिन्हों मैं लैके अगे बद रहा। की कारण चाहते सैनी साहब जी इंडस्ट्री है पंजाब की बाहर जाती जा रही है, यूपी के काफ़ी हो रहा है, की समझ कि कड़िया कमियां ने सरकार? देखो एक तो बड़ी सीधी जी गल है भी साढ़े पंजाब वाटर लैवल थले जा रहा है, सरकार भी जिम्मेदार भी डिवर्सीफिकेशन चाहते हैं। दूजी गल ये है कि जो एक सूबे का सीएम आ गए कहे भी तुम उत्थे इंडस्ट्री लो, मैं थोड़ा सब कुछ देने को तैयार हाँ, तो इतने एक मतलब साढ़े सीएम को पता ही नहीं भी शैलर वाले की भी कोई इंडस्ट्री है, वो उत्थे बह के कद जर्मनी जाते हैं कदे जाते हैं, उन्होंने पूछो भी इतने वाली इंडस्ट्री का बुला के पूछ लो भी साड़ा की हाल है। सो मतलब ये एक बहुत बड़ी घाट है कि तुम जी इंडस्ट्री है, मैं दावे कह रहा जर्मनी वाले की करेंगे, कारपोरेट सैक्टर जाते हैं बच्चे ये इन्होंने कर रहे हैं। समाल स्केल इंडस्ट्री जब तक नहीं पंजाब कामयाब होंगी, इन्हें जर्मनी ना अडानी ना अवानी नहीं किसी ने काम कम, और खास करके साड़ी लैन के कोई भी बल्क कम नहीं कर सकता, ये असी कर सकते हैं जेडे छोटी इंडस्ट्री हैं। सो सरकार को चाहिए छोटी इस इंडस्ट्री खास करके, मैं तो दसदा कई बार सजैशन देने बिल कर दिया सरकार दे एग्रो बेस साड़ी इंडस्ट्री है, असी नहीं कहते जीरी कटाओ, तुम डेयरी डिवेलप करो, असी मतलब तुम सीड्स जेडे तेल आए वह बनाओ, प्रोसैसिंग करने वाले यूनिट चाहिए ने पहला, वो कौन कर सकता, उसी कर सकता सा इंफ्रास्ट्रक्चर है पर बाहर जाना असी देखना लिया नहीं, आई थिंक साडा साढ़े को असी प्रोड्यूस की कर रहे हैं उसकी प्रोसैसिंग किमें होगी, तो फार्मर भज के मतलब काम करे। अज भी पैड़ी के साढ़े अमृतसर च उत्थे घट है शैलर, उतों 100 रुपये मंदी बिकती है पैड़ी, इतने पैड़ी साड़ी मतलब कोई पैसा मंदी नहीं बिकती। सो ये फर्क है जिते प्रोसैसिंग यूनिट होंगे ने, सरकार को चाहिए
ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਹਿਯੋਗ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਂ ਇਹ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਹੱਕ ਖੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਸਾਰੇ 'ਚ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਫਸਰ ਆਪ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੜਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਉਹ ਆਪ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਈਡੀਓ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਇਵੇਂ ਸੀਗੇ ਜੀ, 24 ਸੈਂਪਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ FRK ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ 90 ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਰਾਈਸ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਟੋਟਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਟੋਟਲ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵੀ ਰਾਈਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਟੋਟਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਔਰ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਡੈਂਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ 24 ਸੈਂਪਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਸ FCI ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੋਟਲ ਬੰਦ ਹੈ ਟੋਟਲ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ FRK ਰਾਈਸ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ FRK ਰਾਈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਸ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬੈਚ ਨੰਬਰ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਆਲ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ FRK ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਕਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਫ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਮਿਕਸ ਇਟ ਐਂਡ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਦਿਸ FRK ਵਿਦ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਆਫ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ।